नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं, ये हमारे पास देखिए ये सैमसंग की अल्ट्रा स्लिम ये CRT टीवी है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको साइड से दिखाता हूँ, इसको अल्ट्रा स्लिम क्यों बोलते हैं। आप ये वीडियो में देख कर समझ सकते हैं अल्ट्रा स्लिम क्यों होती है। ये आप साइड में देख सकते हैं, ये इसका एरिया बहुत कम होता है, क्योंकि पहले की टीवीओं में एरिया ये बहुत ज़्यादा निकला रहता था साइड में से, इसलिए इसको अल्ट्रा स्लिम बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका AV RF सॉकेट है, और ये इसका मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्लियर हो गया है इसका मॉडल नंबर। तो और ये टीवी फुल डेड कंडीशन में है, तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके आप लोग को सामने दिखाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। टीवी खोलने से पहले उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, साफ़ सफाई कर लीजिए खोल करके, उसके बाद इसमें आप काम करिए। देखिए मार जाला वाला लगे रहते हैं। टीवी को पहले कहीं छूने से पहले उसके वोल्टेज नाप लेना चाहिए मल्टीमीटर से, नहीं तो आपको शॉक लग सकती है, क्योंकि कंडेंसर चार्ज रहते हैं। और टीवी बनाते समय ये आपको CRT बेस ये जो बोर्ड वीडियो बोर्ड लगी है ये निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप SMPS बना रहे हैं तो अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी उस कंडीशन में कभी कभी फिलामेंट ख़राब हो सकते हैं। मल्टीमीटर को DC रेंज पर रखिए। क्योंकि ये सिर्फ फुल डेड है, तो ये देखिए यहाँ पे ये कंडेंसर लगे हैं, फिल्टर कंडेंसर होते हैं, ये आप देख सकते हैं ये लगे हैं दो ठे। पहले आप मल्टीमीटर देखिएगा, ये दो कंडेंसर लगे हुए हैं, देखिए ये दिखा रहा है, देखिए ये वोल्टेज देख रहे हैं, देखिए 143 वोल्ट दिखा रहा है। अगर अभी आप कहीं हाथ लगाते इससे आपको शॉक लग सकती थी। ये देखिए 286 वोल्ट है, तो इसीलिए मतलब कहता हूँ कि पहले कहीं टच करने से पहले इस कंडेंसर को भी डिस्चार्ज कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कंडेंसर चार्ज इसका मतलब इसका फ्यूज सही है, फ्यूज नहीं ख़राब है, नहीं तो शुरुआत में तो फ्यूज ही चेक किया जाता है। अब ये डेड है, इसको हम आपको दिखाते हैं क्या चेक करना है, पहले मैं कैसे कंडेंसर को डिस्चार्ज कर दूं। ये कंडेंसर को डिस्चार्ज करने का सबसे सही तरीका, देखिए पावर का इसी टीवी का ही ये मेन कार्ड है, आप इसी को कंडेंसर पे इस तरीके से ऐसे दोनों पॉइंट पे छुआइए, एक बार इधर से उलट कर छुआएंगे, एक बार इधर से छुआएंगे, ये चिट चिट की आवाज़ करके धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से, लेकिन बहुत से लोगों ने ये पेचकस का सहारा लेकर इस तरह से डिस्चार्ज करते हैं। अभी मैंने डिस्चार्ज कर लिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में कंडेंसर ख़राब हो सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सही तरीका यही है, यही इसी को आप दोनों को शॉर्ट करिए, इससे एक बार इधर से एक बार इधर से उलट करके ये कंडेंसर अच्छे से डिस्चार्ज होगा। देखिए मैं कंडेंसर को डिस्चार्ज कर लिया हूँ, अच्छे से आप देख सकते हैं डिस्चार्ज हो गया है, देख रहे हैं, देखिए। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ,
मैं प्लेट को निकाल लेता हूँ। यहाँ भी हाथ से टच नहीं करना चाहिए, वैसे टीवी बहुत दिन से बंद है इसलिए मैं ये कर ले रहा हूँ, नहीं तो पहले इसको डिस्चार्ज कर लीजिए। तभी इसको निकाला करिए, नहीं तो वहाँ भी शॉक लगेगी। देखिए ये CRT की ग्राउंड पिन होता है, ये ग्राउंड के लिए लगाते हैं यहाँ पे। देखिए ये कॉइल का तार हमने निकाल दिया, ST का फाइनल वाला फाइनल एनोड मतलब है, इसको हमने निकाल दिया। अब देखिए किट हमारी ये अलग हो गई है, ये पूरी किट अलग हो गई। मैं टीवी को हटा के रख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको रिपेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ देखा जाता है, क्योंकि हमारे पावर सप्लाई का इसका फ्यूज नहीं उड़ा है। अगर कहीं पावर सप्लाई में शॉर्टिंग होती है तो फ्यूज हमारा उड़ जाता है, तो फ्यूज नहीं उड़ा है। हो सकता है इसका हॉरिजॉन्टल आउटपुट, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये इतना सेक्शन, ये यहाँ से ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये SMPS सप्लाई होती है, ये देखिए इतना SMPS सप्लाई होती है, और ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। यहाँ से ये हमारा बूस्ट वोल्टेज भी बनाते हैं, उसी से बाकी सेक्शनों की सप्लाई भी देते हैं। तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल आउटपुट, हॉरिजॉन्टल आउटपुट में भी अगर शॉर्टिंग होगी तभी ये सेट ऑन नहीं होगा। अगर कहीं ज़्यादा शॉर्टिंग है तो हमारी जो इंडिकेटर है वो भी नहीं जलती है सैमसंग टीवीओ में। देखिए ये हॉरिजॉन्टल का आउटपुट, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको चेक करिए, अक्सर ये भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो मल्टीमीटर को आप डायोड के रेंज पे रख लीजिए, इतने में आप मीटर को देख लीजिएगा। अब आपको दिखेगा अच्छे से, देखिए मीटर को मैंने डायोड के रेंज पर रखा हूँ, ऊपर सिंबल भी दिख रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट है। देखिए ये बेस है, एमीटर है, ये कलेक्टर है। ये देखिए हमारा मीटर, आप ये देखिए फुल शॉर्ट दिखा रहा है, बेस कलेक्टर मीटर इसका टोटल, देखिए टोटल शॉर्टिंग दिखा रहा है, टोटल शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को निकाल लेंगे, आप इसको बर्जर पॉइंट पे भी रख के देख सकते हैं, देखिए ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है, आपको बीप की आवाज़ मिल रही होगी, देखिए ये इस तरीके से। मैं ट्रांजिस्टर को निकाल लेता हूँ, देखिए लगा हुआ है, का नंबर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आजकल ऐसे प्रिंट करते हैं कि दिखाई नहीं देता कायदे से। मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूं, अगर दिख जाए तो देखिए इतना जूम करने पर भी ये नंबर इस तरीके से दिख रहा है। सामने ये नंबर देखिए, देख लिए हैं, ये नंबर इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। आप लोग देखिए हम ट्रांजिस्टर को निकाल लिए हैं, जैसा कि आपके सामने निकाल लिया हूँ, और मैं इसमें
मैं इसको पावर देता हूँ। अगर हमारा SMPS सही है, सेफ है, तो ये हमारी ये बत्ती फ्लैशिंग करेगी। ये जो ग्रीन बत्ती दिख रही है आपके सामने, लेकिन मैं पावर को लगा रहा हूँ। पावर को मैंने उनके आप लोग देख रहे हैं ऑन हो गया। देखिए, लेकिन फिर आप ट्रांसटेंट ना होने की वजह से देखिए ये स्टैंड मतलब ब्लैकिंग कर रहा है। आप ये देखिए, ये ग्रीन बत्ती जल रही है। और आपको यहाँ से हम वोल्टेज भी आपके दिखा देते हैं, कितनी वोल्टेज आउट होती है यहाँ पे। जो इसको आप DC रेंज पे रखिए मीटर को, आप मीटर की वोल्टेज भी हमारी देख सकते हैं। देखिए, मैंने एक सिरे को माइनस पे रखा है, देखिए यहाँ पे इतना वोल्टेज दिखा रहा है। देखिए ये 14 वोल्टेज दिखा रहा है। और देखिए हमारा जो ट्रांजिस्टर कलेक्टर होता है आउटपुट हॉरिजॉन्टल का, उस पर देखिए ये वोल्टेज दिखा रहा है 130 होना चाहिए, क्योंकि आजकल की 110 में नहीं ऑपरेट होती हैं, 130 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। और ये वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा ये ट्रांजिस्टर लगाने के सेट ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा SMPS एकदम सही था। चलिए हम आपको SMPS के दिखाते हैं रिपेयर करने का। SMPS रिपेयर करना बहुत ही आसान और बहुत ईजी हो गया है आजकल तो, बहुत ही हो गया। ये सीधा ये आप सब निकाल दीजिए, छोटे छोटे मॉड्यूलर आते हैं वो लगा देते हैं लोग। अभी मैं ट्रांजिस्टर को दूसरा लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है सेम नंबर है कि नहीं है, सर्किट बुक में पता चल जाएगा। क्योंकि एक बार ये ट्रांजिस्टर बदला गया है, कोई बदला था चाहे जो भी बदले हों। क्योंकि सैमसंग सेटों में हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर बहुत ही कम खराब होता है। आप देख रहे हैं छोटा सा हीट सिंक है, इसमें तो लगा दिया हीट सिंक, नहीं तो सैमसंग वाले तो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर तो विदाउट सिंक हीट सिंक पे लगाते हैं, डायरेक्ट ट्रांजिस्टर को ही लगा देते थे। और देखिए एक बात जो है, जब अगर हमारा SMPS सही वर्किंग कर रहा है, कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं, देखिए ये कंडेंसर आपका जो होता है ये डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज नहीं रहता, देख रहे हैं डिस्चार्ज है ये। देखिए कंडेंसर में कोई वोल्टेज नहीं आपको मिलेगी, देख रहे हैं इस तरीके से। और ये ट्रांजिस्टर जो खराब हुआ है, इसमें एक रीजन और भी होता है, अगर इसकी ST खराब होगी तब भी आपको जो ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, ये कॉइल खराब होगा तब भी ये खराब हो जाता है। इसलिए पहले ट्रांजिस्टर को लगाएंगे तभी पता चलेगा कि हमारा ST खराब है तो नहीं है। दोस्तों ये देखिए आप लोग जो है स्क्रीन पे ऐसे आ रहा है, इसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है, आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं सर्किट चेक करके ये प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आता है। इसका देखिए ये वीडियो बोर्ड लगा हुआ है, इसी को सप्लाई नहीं मिलती है तभी ये इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। इसकी सप्लाई कहाँ से आती है मैं आपको दिखाता हूँ। आप मीटर को वोल्टेज पे रख लीजिए, DC वोल्ट पे, जो मैंने रख लिया हूँ। अब मैं इसमें पावर लगाता हूँ, देखिए किट आवाज करके सेट ऑन हो गया।
अब देखिए इस बोर्ड को 200 सप्लाई मिलती है और इसका कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से है ये कनेक्शन, ये जो वायर लगा हुआ है ये पट्टा वायर लगा होता है यहाँ पे। अभी प्लेट पलट जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए एक सिरा को आप निगेटिव पर रखिए मीटर का, देखिए ये ST के ये पिन से यहाँ से 200 वोल्ट लिखा रहता है, ये 200 वोल्ट आउट होता है AC और डायोड से DC बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये 187 वोल्ट आउट हो रहा है, मतलब 180 से लेकर के 200 वोल्ट के बीच में आता है। और ये देखिए यहाँ से होते हुए आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 वोल्टेज आ रही है। तो अगर यहाँ 0 वोल्टेज आ रही है तो यहाँ से देखिए जंपर लगा हुआ है, तार गया हुआ है और ये डायोड लगा रहता है, डायोड से DC बनाते हैं। यहाँ डायोड को बाहर मिल रहा है लेकिन हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आप इसी को कनेक्टिविटी चेक करिए कहाँ से ये जंपर ओपन है। देखिए मैं मीटर को रख ले रहा हूँ बर्जर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। देखिए ये डायोड लगा हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ से ये जंपर लगा होता है, देखिए यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक तार सोल्ड कर दीजिए ज़्यादा बेहतर है, कि आप प्रिंट कहीं डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि हम यहाँ से एक यहाँ पे एक तार मार देते हैं। देखिए मैं जिससे दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ डायोड पे एक कंडीशन लगा होता है, मैं उस पर ये जंपर मारती है। और आपको दिखाता हूँ, देखिए आप ये यहाँ तक कही कंटिन्यूटी, अब ये बोर तक दिखाने लगा। देखिए ये बोर्ड पे ये कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूटी आने लगी, बर्जर की आवाज़ आप सुन सकते हैं, मतलब अब यहाँ पे ये वोल्टेज आने लगा। अब मैं आपको रास्टर दिखाता हूँ सामने कैसे आ रहा है, और 100% क्या 99% मान के लिए सही हो गया है। मैं फिर से पावर ऑन करता हूँ, देखिए सेट को मैंने फिर से ऑन किया हूँ और आपको इसकी स्क्रीन के सामने की तरफ लेकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये आ गया है, स्क्रीन सही हो गई है। और ये कलर पैच तो हमने डिपॉजिटिंग कॉइल नहीं लगाया हूँ ना, इसलिए सर उसको लगा करके 2-3 बार सप्लाई को ऑन ऑफ करेंगे ये सही हो जाएगा। और देखिए स्क्रीन इसकी सही हो गई है, देखिए नो सिग्नल लिख के आ रहा है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, किसी को कोई TV में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।